Where's the party tonight? अरे भाई हमारे घर पर। भाई हम तो इसी उम्मीद में आगे बढ़ते जाते हैं कि आने वाला नया साल लेकर आएगा ढेर सारी खुशियाँ और उम्मीद की एक नई किरण। तो चलिए आज अपनी पार्टीज को और भी जानदार बनाने के लिए शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ एक वेज सिजलर की रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। क्या कहा, घर में सिजलर प्लेट नहीं है? तो क्या हुआ, फिर भी बना लेंगे हम घर पर ही एक बेहतरीन सा वेज सिजलर अपने डिनर्स को सिजलिंग हॉट बनाने के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो सिजलर्स बनाने के लिए रेस्टोरेंट्स में आपने देखा होगा एक ऐसी सिजलर प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक कास्ट आयरन की प्लेट रहती है जो एक लकड़ी के बेस पे रहती है और इसी में सिजलर को सर्व किया जाता है। प्लेट को अच्छे से गर्म कर देते हैं और जब उसके ऊपर आप अपना फूड रखते हैं और एक सिजलिंग सॉस ऐड करते हैं तो ढेर सारा धुआं उठता है, वो सिजल की आवाज आती है, आहा हा हा हा। अगर ये नहीं है तो क्या किया जाएगा, उसका भी नुस्खा शेयर करने जा रही हूं आपके साथ आगे, देखिए। तो चलिए पहले आज हमारे वेज सिजलर पे क्या क्या कंपोनेंट होने वाले हैं वो जान लेते हैं और साथ ही साथ में उनको बनाते भी जाते हैं। तो एक चाहिए हमें यहाँ पर एक राइस बेस, कुछ टॉस्ड वेजिटेबल्स, कुछ फ्राइज जिन्हें हम फ्राई कर लेंगे ऑफ कोर्स, एक सॉस जो वो सिजलिंग इफेक्ट देगी और इसे टॉप करने के लिए आप चाहें तो पनीर शाश्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले यानी कि चढ़ा लेते हैं अपनी सॉस और आज मैं बनाने जा रही हूँ इसके लिए एक मक्खनी सॉस। तो मक्खनी सॉस बनाने के लिए मैं ले रही हूँ पहले तो एक प्याज जिसे मोटा मोटा काट लूंगी और इस प्याज को अपने पैन में यहाँ ले लेते हैं। अब पांच लाल टमाटर, बढ़िया लाल टमाटर वो काट लिए जाएं। तो अब ये टमेटो को भी इस पैन में ऐड कर दिया जाए। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें थोड़े से काजू, अराउंड 8 to 10 कैश्यू नट्स आई हैव हियर, और ऐड कर रही हूं 2 खड़ी लाल मिर्च तोड़कर, इसी के साथ साथ थोड़ा सा गार्लिक, और अब इसमें ऐड करूंगी तकरीबन 1.5 कप पानी और इसी के साथ डाल रही हूं इसमें 1 teaspoon चॉप्ड अदरक भी, और अब इसे ढक के मैं पकने दूंगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, या तब तक जब तक मेरा प्याज, टमाटर, काजू सब अच्छे से गल नहीं जाते। तो अपनी सॉस को तो यहां मैंने कुक करने के लिए साइड में शिफ्ट कर दिया है। मेरे पास है यहाँ पनीर जिसे मैं क्यूब में कट कर लेती हूँ और अब इन पनीर के पीसेस को मैं यहाँ मैरिनेट करूंगी और इसके लिए पहले मैं अपने बोल में ले रही हूँ 1 tablespoon जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इस 1 tablespoon जिंजर गार्लिक के पेस्ट में ऐड करूंगी 1 tablespoon लेमन जूस, इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें कुछ मसाले भी, जैसे कि टू बिगिन विद ऐड करूंगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च फॉर अ नाइस कलर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा गरम मसाला पाउडर भी, और ऐड करूंगी इसमें तकरीबन 1 tablespoon ऑयल भी। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें स्वाद के अनुसार नमक। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अब इनमें इन पनीर के पीसेस को मैं मैरिनेट कर देती हूँ। इन्हें टॉस कर दीजिए अपने मैरिनेट में और इसे मैरिनेट करके हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ताकि पनीर इन फ्लेवर्स को अब्सॉर्ब कर ले। और अब अपनी वेजिटेबल्स की तैयारी कर ली जाए। तो वेजिटेबल्स में पहले तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये कैरेट्स जिनको मैंने पील कर लिया है, लाइक आई एम गोइंग टू कट देम इनटू 2-inch पीसेस और फर्दर इनको कट कर लूंगी क्वार्टर्स में। जो बहुत पतली स्ट्रिप्स होंगी उनको बस हाफ करेंगे और बाकी उनको क्वार्टर कर लेंगे। कैरेट्स डन, अब बीन्स को डायमंड्स में कट कर लेते हैं। पहले इनको स्ट्रिंग कर दीजिए और इस सेम लेंथ की हम बीन्स भी कट कर लेते हैं। कैरेट्स डन, बीन्स डन, मेरे पास है यहाँ पर स्वीट कॉर्न और साथ ही साथ में थोड़ा सा मटर भी। अब इन सारे वेजिटेबल्स को मैं पहले थोड़े बटर
और गार्लिक के साथ टॉस कर लूंगी। यहाँ पर मेरा ग्रेवी का जो बेस है वो भी पक चुका है अच्छे से, टमाटर प्याज सब गल चुका है। तो इस गैस को करती हूँ मैं बंद और इस गैस को करती हूँ ऑन, और जैसे ही ये हो जाएगा गरम ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा बटर। तो सिजलिंग हॉट बटर रेडी। इस बटर में ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक। गार्लिक के साथ बटर को कर लीजिए टॉस, और अब इसमें ऐड करते हैं हम सारी की सारी अपनी वेजिटेबल्स, जैसे कि मेरा कैरेट, बीन्स, कॉर्न और मटर भी। तो बर्न्ड बटर और बर्न्ड गार्लिक के फ्लेवर के साथ टॉस कर लिया है मैंने अपनी वेजिटेबल्स को भी। बस इन्हें पूरी तरह से नहीं पकाना है, मुझे इनको टेंडर क्रिस्प रखना है, क्रिस्प बनी रहे लेकिन अंदर तक थोड़ी सी पक जाए। अब इसमें ऐड करते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पेपर पाउडर और थोड़ा सॉल्ट भी। वंस अगेन गिव दिस अ टॉस, एंड ये हो गए हमारे बटर टॉस्ट गार्लिक वेजिटेबल्स रेडी। अब क्या किया जाए, मखनी ग्रेवी को ठंडा करके उसे पीस लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जानते हैं पार्टीज की जब ढेर सारी कुकिंग करनी हो तो एक अच्छा सा सूस शेफ मिल जाए ना तो कहने ही क्या। जैसे कि मेरे पास है मेरा सूस शेफ बजाज आइवरा मिक्सर ग्राइंडर। बजाज आइवरा मिक्सर ग्राइंडर का पावरफुल 800 वॉट टाइटन मोटर किसी भी इंग्रेडिएंट को बहुत आसानी से पीस देता है, जैसे कि मेरी ये ग्रेवी। और तो और इट हैज एन एंटी बैक्टीरियल एंड ईजी क्लीन कोटिंग विच मेक्स इट सो ईजी फॉर मी टू क्लीन इट, सो बाय बाय डस्ट। मेरा मिक्सर ग्राइंडर रहेगा हमेशा क्लीन और हाइजीनिक। अब इस ग्रेवी को मैं स्ट्रेन कर लेती हूँ ताकि इसमें जो भी काजू के पीसेस रह गए हों या जो बीज होते हैं टमाटर के वो अलग निकल जाए। दिस डन। अब इस ग्रेवी को मैं फिनिश कर लेती हूँ और उसके लिए पैन में पहले ले लूंगी मैं थोड़ा सा बटर। अब इस बटर में मैं ऐड करूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर अ लवली कलर। इसे भी स्टर कर दीजिए और इसमें ऐड कर दूंगी मैं ये ग्रेवी का बेस। ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, इसी के साथ साथ थोड़ी सी टमेटो प्योरे भी। मिक्स दिस इन और इस ग्रेवी को आप कुक कर लीजिए तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ताकि ये सारे के सारे फ्लेवर्स अच्छे से मिक्स हो जाएं और हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक भी हो जाए। वेजिटेबल्स डन, ग्रेवी डन, अब फ्राइज को फ्राई कर लिया जाए और इसके लिए मैं फ्रोजन फ्राइज का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। सो हॉट ऑयल में ड्रॉप करेंगे हम अपनी फ्राइज और इन्हें गोल्डन क्रिस्प करके रिमूव कर लेंगे एक प्लेट पर। अपने पैन को ओवरक्राउड नहीं करेंगे, बैचेस में इन्हें फ्राई करेंगे ताकि ये क्रिस्प बने रहें। सो वंस दीज आर नाइस एंड गोल्डन, इन्हें एक टिश्यू पेपर पे मैं रिमूव कर लूंगी। फिर से एक बार ऑयल को मैं हो जाने दूंगी अच्छे से गरम और तब ऐड करूंगी इसमें द नेक्स्ट बैच ऑफ फ्राइज। फ्राइज डन, इनको थोड़ा सॉल्ट के साथ आप टॉस कर लीजिए। और तीसरा कॉम्पोनेंट भी रेडी, अब क्या किया जाए, चलिए पहले अपने राइस को टॉस कर लेते हैं। अब एक पैन में ले लूंगी मैं 1 टेबलस्पून ऑयल, ऑयल को हो जाने दूंगी अच्छे से गरम। अब इसमें मैं ऐड करूंगी गार्लिक फाइन चॉप किया हुआ, कैरेट और फाइन चॉप किया हुआ कैप्सिकम भी। आप जो वेजिटेबल्स चाहे ना वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें बॉइल्ड राइस और राइस को भी इसके साथ टॉस कर लूंगी। सीजन कर लेंगे इसको सॉल्ट के साथ और आप चाहे तो पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये लीजिए, राइस भी रेडी हो गया, इसे भी एक बोल में निकाल लेते हैं। अब मैं अपनी सिजलर प्लेट को यहाँ पर गर्म होने के लिए चढ़ा दूंगी, सो दैट बाय द टाइम माई पनीर इज ऑल्सो रेडी, सिजलर प्लेट भी गर्म हो जाएगी एंड आई एम रेडी टू सर्व। पनीर जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था अब वो तैयार हो चुका है। अब आप चाहें तो इसे स्क्यूअर्स पर या साते स्टिक्स पर लगा सकते हैं, जैसे मेरे पास है यहाँ पर ये साते स्टिक्स, ऐसे ही और स्क्यूअर्स पे भी पनीर लगा लिया जाए। और अब इन पनीर स्टिक्स को मैं किसी ग्रिल पर या आप चाहें तो एक नॉन स्टिक तवे पे ग्रिल कर लीजिए।
ये बचा हुआ मैरिनेट भी इस पे लगाते हैं और इसे टर्न कर देते हैं ताकि ये हर साइड से अच्छे से ग्रिल हो जाए। सो पनीर ऑल्सो डन, इसे भी निकाल लेते हैं अपनी प्लेट पर। अब ये देखिए सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स हो गए हमारे सिजलर के रेडी, बस फटाफट से इसे सिजलर प्लेट पर प्रेजेंट करने की। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो सिजलर प्लेट नहीं है, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना उसका भी एक नुस्खा आपको बताऊंगी। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके पास है एक ऐसा नॉन स्टिक तवा, इसे इस्तेमाल करेंगे आज हम अपने सिजलर प्लेट की जगह। और कोई भी वुडन बेस जैसे कि ये पिज्जा बैट, आप इसको इस पे रख कर सर्व कर सकते हैं ताकि आपका जो टेबल है वो जले नहीं। एंड द गुड पार्ट इज उसमें इतना ढेर सारा सिजलर आप इकट्ठा सर्व कर सकते हैं सो दैट द फैमिली कैन ईट टुगेदर। अपने सिजलर को ट्रांसफर कर लिया है यहाँ पर मैंने अपने पास, और पहले इसमें नीचे लगा दूंगी मैं थोड़े से लेटस लीव जो मेरे फूड को बर्न होने से प्रिवेंट करेंगे। एक बोल में मैं थोड़ा सा पहले ऑयल लगा ले रही हूँ और इसे फिल कर लूंगी अपने राइस के साथ। इसे इसके अंदर अच्छे से प्रेस कर दीजिए सो दैट व्हेन यू रिमूव इट फ्रॉम द बोल ये चावल बिखरे नहीं। इसके साइड में ऐड करूंगी मैं थोड़ी सी फ्राइज। ये काम बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि आपकी सिजलर प्लेट काफी गर्म होगी। ऑन द अदर साइड ऐड करूंगी मैं अपनी वेजिटेबल्स, ये पनीर के स्कीवर्स को रखती हूँ इसके ऊपर और ले आती हूँ इसे तुरंत अपनी सिजलर प्लेट पर। ऐड करेंगे इसमें थोड़ी सी ग्रेवी टू गेट दैट ब्यूटीफुल सिजल, और लीजिए भाई हो गया हमारा सिजलर रेडी। चलिए जल्दी कीजिए, बनाइए इसे घर पर और जल्दी से सबको पार्टीज में इंप्रेस कर लीजिए। सिजलर का मजा लेते लेते मुझे सबसे पहले ये बताइए कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अरे भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो ऐसी बेहतरीन सी रेसिपीज आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। और याद है ना कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज के ये सिजलर्स कितने मजेदार लगे।